हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु शर्मा एंड दिस इज सिविल सेक्शन. वेलकम यू ऑल हेयर. फ्रेंड्स, आज है 20 फरवरी 2019 और देखते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर वन की. पेज नंबर वन पर जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान विल हिट बैक इफ इंडिया स्ट्राइक से इमरान. तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना ये है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोई भी मिलिट्री एक्शन लिया तो उस टाइम पर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा. और ये एक तरीके से इंडिया को वार्न किया गया है. उनका कहना ये है कि वॉर को स्टार्ट करना तो पर्सन्स के हाथ में होता है, इन लोगों के हाथ में होता है, लेकिन उसका एंड क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो तो सिर्फ गॉड ही समझ सकता है. इसके अलावा उन्होंने ये भी क्लेम किया कि अगर इंडिया कोई भी ऐसा एविडेंस देता है कि पुलवामा अटैक में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था तो वो गारंटी देते हैं कि वो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे. उनका कहना ये भी है कि वो अच्छे समझते हैं कि इंडिया में इलेक्शन ईयर है और इस तरीके से, यानी पाकिस्तान को लेसन सिखाने की बात करते हुए, किस पार्टी को बेनिफिट हो सकता है, राइट. तो फ्रेंड्स, इस बारे में आर्मी का कहना ये है कि जो जैश ए मोहम्मद का टॉप लीडर मारा गया है, जिसने ये पुलवामा अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो जिस टाइम पे ये गन फाइट चल रही थी आर्मी ऑफिसर्स के बीच में और जेएम के बीच में, तो उस टाइम पर उस लीडर को पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से डायरेक्टली डायरेक्शंस मिल रहे थे. तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने ही जैश ए मोहम्मद को खड़ा किया है और वो जैश ए मोहम्मद जो है वो एक तरीके से पाकिस्तान का चाइल्ड है, राइट. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर वन पर है और इसमें बात की गई है कैबिनेट अप्रूव्स न्यू नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी. तो फ्रेंड्स, यूनियन कैबिनेट ने ट्यूसडे को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2019 को अप्रूव कर दिया है और इसका जो एम होगा वो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 2025 तक $400 बिलियन का टर्नओवर अचीव करना और इसके अलावा 1 करोड़ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना. तो फ्रेंड्स, ये जो पॉलिसी है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है इजियर टू इम्प्लीमेंट इंसेंटिव स्कीम्स. इसके अलावा इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को भी इंक्लूड किया गया है और क्रेडिट डिफॉल्ट गारंटी को भी इंक्लूड किया गया है. और ये जो न्यू पॉलिसी है ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2012 है इसको रिप्लेस कर देगी. इसके अलावा ये भी प्रपोज किया गया है कि कोई पर्सन प्लांट एंड मशीनरी के लिए 1000 करोड़ रुपीज तक का लोन लेता है तो उस लोन पर उसको 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी और अगर कोई इससे ज़्यादा लेता है तो उसको 1000 करोड़ रुपीज तक की सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी प्रपोज किया है कि जो बैंक्स हैं अगर वो 100 करोड़ रुपीज तक का प्लांट एंड मशीन के लिए लोन देंगे तो उनको 75% डिफॉल्ट गारंटी दी जाती है, यानी कि उनके लिए फंड तैयार किया जाएगा और अगर उनका पैसा जो है वो डूबता है तो उसका 75% फंड जो है वो उनको मिल जाएगा. इसके अलावा इससे बेनिफिट किसको होगा? इससे बेनिफिट होगा स्मॉल और न्यू इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उनको अब थर्ड पार्टी के पास में कोलेट्रल नहीं रखना पड़ेगा. और ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है ये कुछ उसी पैटर्न पर है जैसे सिडबी और एसएमई सेक्टर देते हैं. तो फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी का 2.0 वर्जन है ये एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करने में हेल्प करेगा जिससे जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट किया जा सके, राइट. और ये इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज के लिए नहीं होगा ये सपोर्ट, राइट. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर वन पर ही है और इसमें बात की गई है सुप्रीम कोर्ट अपसेट एट द प्लाइट ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स इन आसाम सेंटर्स. तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई थी जिसमें बात की गई थी कि आसाम में जो डिटेंशन सेंटर्स हैं उसमें इलीगल जो फॉरेनर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत ही पैथेटिक है और बहुत ही इनह्यूमेन कंडीशन में उनको रखा गया है. और यहाँ पर वो लोग भी बहुत सारे हैं जिन्होंने अपना जेल टर्म खत्म कर लिया है लेकिन अभी भी वो डिटेंशन सेंटर्स में हैं. तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि किस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के बारे में चिंता जाहिर की थी कि इनको किस तरीके से, यानी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इनको कैसे डिपोर्ट किया जाए. और इसी के बारे में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा था. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करेंगी और देखेंगे किस तरीके से इनको डिपोर्ट किया जा सकता है और उसके बाद में वो बेंच को रिपोर्ट करेंगे. तो फ्रेंड्स, इस बेंच को लीड कर रहे हैं हमारे CJI रंजन गोगोई और उन्होंने इसकी नेक्स्ट हियरिंग रखी है 13 मार्च को, राइट. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 5 पर है और इसमें बात की गई है IAF पायलट किल्ड 2 इंजर्ड इन क्रैश. तो फ्रेंड्स, हमने कल इस न्यूज़ को डिस्कस किया था कि बेंगलोर में एरो इंडिया 2019 का 12th एडिशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है जो कि फरवरी 20 से 24 तक चलेगा. और इसमें जब रिहर्सल चल रहा था तो इसमें IAF के जो 2 एयरक्राफ्ट हैं वो क्रैश हो गए और इसमें 1 पायलट की डेथ हो गई और 2 पायलट जो हैं वो सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं. और इसके लिए US के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने पायलट की जो फैमिली है उसके लिए सिंपैथी भी कन्वे की है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 2 पायलट थे वो पैराशूट की हेल्प से एयरक्राफ्ट से कूद गए थे लेकिन जो विंग कमांडर साहिल गांधी थे जिनकी एज 38 ईयर्स थी वो नहीं निकल पाए और उनकी इस क्रैश में डेथ हो गई, राइट. थोड़ा डाटा देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ था.
तो फ्रेंड्स ये जो दो एयरक्राफ्ट थे ये IAF की एरोबेटिक टीम सूर्य किरण के थे और ये मिड एयर रिहर्सल के दौरान ये क्रैश हो गए थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से ये क्रैश हुए थे और यहाँ पे जो एक पायलट है उनकी डेथ हो गई है। राइट, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 7 पर है और इसमें बात की गई है 7 आइलैंड्स इन अंडमान लक्षद्वीप आइडेंटिफाई फॉर सी प्लेन ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स अंडमान और निकोबार के 4 आइलैंड्स और लक्षद्वीप के 3 आइलैंड्स को आइडेंटिफाई किया गया है सी प्लेन ऑपरेशन के लिए। और इससे पहले प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को पहले ही इन्वाइट किया जा चुका है कि वहाँ पर टूरिज्म बेस्ड प्रोजेक्ट्स को बढ़ाया जा सके। राइट, तो फ्रेंड्स अंडमान निकोबार में जो आइलैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, हंट बे और लॉन्ग आइलैंड। और लक्षद्वीप में कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप में है कावारत्ती, अगत्ती और मिनिकॉय। तो इनको आइडेंटिफाई किया गया है सी प्लेन ऑपरेशंस के लिए। तो फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है और इसमें ये बात बोली गई है कि कोई भी मैन्युफैक्चर या सर्विस सेक्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करता है यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में इन्वेस्ट करता है तो उनको टैक्स इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। राइट, तो थोड़ा यहाँ पर डाटा देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे इन आइलैंड्स को कनेक्ट किया जा रहा है। हमने भी देखा कि सी प्लेन ऑपरेशन कहाँ कहाँ पर होंगे अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप में। इसके अलावा कुछ यहाँ पर अदर प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए जा रहे हैं। वो क्या क्या हैं कि जो अंडमान का दिगलीपुर एयरपोर्ट है उसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए। इसके अलावा जो मिनिकॉय आइलैंड है वहां पर एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसके अलावा अंडमान ट्रंक रोड पर मिडिल स्ट्रेट ब्रिज भी बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप के लिए वो कौन कौन से हैं, वो हैं अंडमान आइलैंड के अंदर स्मिथ आइलैंड और लॉन्ग आइलैंड। तो यहाँ पे इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा एवेस आइलैंड जो है वहाँ पे टेंट सिटी डेवलप की जाएगी। और इसके अलावा लक्षद्वीप के जो कादमात मिनिकॉय और सोहेली चेरी याकारा आइलैंड्स हैं वहाँ पर टूरिज्म प्रोजेक्ट को सेटअप किया जाएगा। राइट, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 7 पर है और इसमें बात की गई है मोर देन 4 लाख चिल्ड्रन आर इनहेलेंट एडिक्ट सर्वे। तो फ्रेंड्स एक सर्वे में जो कि कंडक्ट किया गया था नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के थ्रू, तो इसमें बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश जो हैं यहाँ पर एल्कोहल एब्यूज़ और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ड्रग एडिक्शन की वजह से। तो फ्रेंड्स ये जो सर्वे रिपोर्ट थी इसको सबमिट कर दिया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को। और इसमें ये बात की गई है कि 5.7 करोड़ पीपल ऐसे हैं हमारी कंट्री में जो एल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा इस सर्वे के थ्रू ये बात भी सामने आई है कि 16 करोड़ पीपल हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो एल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। और इसके अलावा जो एल्कोहल कंजम्पशन है वो मेन में 17 टाइम्स हायर है इन कंपेरिजन टू वुमेन। राइट, और ये जो सर्वे था दिसंबर 2017 से अक्टूबर 2018 में कंडक्ट किया गया था और ये सर्वे किया गया था 4,73,569 इंडिविजुअल्स के ऊपर और इनका जो एज ग्रुप था वो था 10 to 75 ईयर्स के बीच में। राइट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बात सामने आई है उसके अकॉर्डिंग जो कंजम्पशन है अल्कोहल का वो बहुत ज़्यादा हाई है त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में भी। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का कहना ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिटेल्ड कंसल्टेशन के बाद में नेशनल लेवल पर गाइडलाइन जो है वो फॉर्मुलेट की जाएंगी जिससे कि जो ड्रग मिनेंस है कंट्री का उसको कॉम्बैट किया जा सके, उसको काउंटर किया जा सके। तो थोड़ा डाटा देखते हैं यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पर एल्कोहल कंजम्पशन होता है। तो फ्रेंड्स हमने भी देखा था कि 5.7 करोड़ जो पर्सन हैं वो एल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंट हैं और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रिवेलेंस स्टेट कौन से हैं, वो हैं यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। और इसके अलावा जो इनहेलेंट यूज़र्स हैं इसमें 4,60,000 चिल्ड्रन हैं, 18 लाख इसमें एडल्ट हैं। इसके अलावा कैनबीज के ऊपर डिपेंड करते हैं 72 लाख लोग और ये जो डिपेंडेंस है ये सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पर है, ये है यूपी, पंजाब और उड़ीसा में। इसके अलावा हेरोइन के ऊपर हमारे इंडियंस में 1.14% डिपेंड करते हैं और ये कहाँ पर ज़्यादा है, ये यूपी, छत्तीसगढ़, पंजाब और दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। राइट, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 7 पर है और इसमें बात की गई है सेंटर लॉन्चेस पैनिक बटन ऑन मोबाइल। सो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को पैनिक बटन फीचर मोबाइल फोन्स में लॉन्च किया है और ये विमेन की सेफ्टी के लिए है। इसके अलावा इसमें अदर इमरजेंसी सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया है और अभी ये 16 स्टेट्स और मुंबई में लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो इनिशिएटिव था ये होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मेनका गांधी का ज्वाइंट इनिशिएटिव था। तो फ्रेंड्स इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं अभी तक हमें सबके लिए अलग अलग नंबर याद रखना पड़ता था लेकिन अभी यहाँ पर एक नंबर बता दिया गया है यानी कि अब एक ही नंबर पर डायल करके हम सारी इमरजेंसी सर्विसेज तक पहुँच सकते हैं और वो नंबर है 112। राइट,
तो इसमें जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं उनके लिए जो पावर बटन है उनको उसको 3 बार प्रेस करना होगा और वो भी क्विकली करना पड़ेगा। और इसके अलावा जिनके पास ऐसे स्मार्टफोन्स नहीं हैं तो उनके पास में जो कीपैड है उसमें जो 5 नंबर है और 9 है उसको लॉन्ग प्रेस करना होगा, राइट। और जब एक बार यूज़र इनको प्रेस करेंगे पैनिक बटन को तो इससे जो इमरजेंसी नंबर है 112 इसके ऊपर 5 कॉल्स जाएंगी और जितनी भी कॉल लॉग डिटेल्स हैं और जियो लोकेशंस हैं विक्टिम की वो तुरंत सेंड कर दी जाएंगी पुलिस ऑफिसर्स को SMS और ईमेल्स के थ्रू, राइट। चाहे वो पुलिस ऑफिशियल स्टेट के हों, डिस्ट्रिक्ट्स के हों या लोकल लेवल के हों, सबके पास में ये SMS और ईमेल जाएगा। इसके अलावा यूज़र्स जो हैं वो 112 मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी ये जो फीचर है, अभी ये जो फैसिलिटी है, ये कहाँ कहाँ पर लॉन्च की गई है? ये की गई है आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड, पंजाब, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर और साथ में मुंबई में भी इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो सेफ्टी फीचर था ये पहले ही नागालैंड और हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, ये जो पैनिक बटन फैसिलिटी है इसको इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के नाम से भी जाना जाएगा और इसको सपोर्ट किया जाएगा निर्भया फंड से, जो कि सेटअप किया गया था वीमेन की सेफ्टी के लिए, राइट। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 7 पर है और इसमें बात की गई है ऑर्डिनेंस टू कर्ब पोंजी स्कीम्स गेट्स नॉट। तो फ्रेंड्स, कैबिनेट कमेटी ने ट्यूसडे को एक ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर दिया है जिसके अंदर जितनी भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल्स हैं उनको बैन किया जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है? जिससे कि जो पोंजी स्कीम्स में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये जो बिल था ये बजट सेशन के लास्ट डे पर लोकसभा से पास हो गया था लेकिन राज्यसभा का अप्रूवल इसको नहीं मिला था। तो अगर कोई भी इसको वायलेट करता है, इन प्रोविजंस के अगेंस्ट में जाता है, तो उसके लिए इसमें पनिशमेंट की प्रोविजंस भी रखे गए हैं, राइट। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 10 पर है और इसमें बात की गई है ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस टू बी री इशूड। तो फ्रेंड्स, यूनियन कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस को री इशू कर दिया है जिसके अंदर तलाक के बिद्दत या फिर जिसको बोलते हैं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, इस प्रैक्टिस को क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है और अगर कोई भी इसको फॉलो करता है तो उसके लिए जेल टर्म भी इसके अंदर रखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो बिल था ये 2 बार लोकसभा से पास हो चुका था और ये दोनों बार राज्यसभा में अटक जाता था और इस बार ये फिर से लैप्स हो गया था और ये थर्ड टाइम है जब हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसको साइन किया है, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 10 पर ही है और इसमें बात की गई है सेलिब्रिटीज विलिंग टू एंडोर्स पार्टीज फॉर फी। तो फ्रेंड्स, कोबरा पोस्ट की एक इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है कि 36 बॉलीवुड पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जो किसी भी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स करने के लिए रेडी हैं बशर्ते उनको इसके बदले में कैश में फीस दी जाए, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं तो इसके लिए कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। तो इसमें 36 बॉलीवुड पर्सनैलिटीज जो हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अगर उनको कैश में फीस दी जाती है, यानी कि एक तरीके से ब्लैक मनी दी जाती है, तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने के लिए रेडी हैं। कुछ ने कहा कि वो इनडायरेक्टली प्रमोट करेंगे और कुछ ने कहा कि वो डायरेक्टली प्रमोट करेंगे। इनडायरेक्टली कैसे प्रमोट करेंगे? जैसे कि अगर वो फिल्म का प्रमोशन करते हैं उस दौरान वो उस पार्टी को प्रमोट करेंगे या फिर जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पर वो प्रमोट करेंगे वीडियोज़ के थ्रू। और कुछ ने डायरेक्टली इसको एग्री किया था कि डायरेक्टली वो उसको प्रमोट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे बेनिफिट क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को? क्योंकि सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं और जब ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को एंडोर्स करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो लोग भी उसको फॉलो करने लगते हैं और इससे बेनिफिट होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो इसीलिए ये स्टिंग किया गया था, ये चीज़ जानने के लिए इस स्टिंग को किया गया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको कुछ गाइडलाइन फ्रेम करनी चाहिए जिससे जो प्रॉक्सी कैंपेनिंग होती है सेलिब्रिटीज़ के थ्रू सोशल मीडिया पर उसको रेगुलेट किया जा सके, क्योंकि इससे एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट की जाती है, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 11 पर है और इसमें बात की गई है फ्रांस टू प्रपोज बैन ऑन जैश ए मोहम्मद चीफ। तो फ्रेंड्स, फ्रांस ने ये बात बोली है कि वो UN में इस प्रपोजल को फिर से मूव करेगा जिसमें मसूद अजहर के ऊपर, जो कि जैश ए मोहम्मद का चीफ है, उसको बैन किए जाने की बात की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मूव था ये पहले भी 2017 में भी लिया जा चुका है जिसमें US ने, UK ने और फ्रांस ने सपोर्ट किया था और ये सेकेंड टाइम है जब फ्रांस फिर से इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उस टाइम पर चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया था और इस बार चाइना का कहना कुछ यही है कि वो मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं करने देंगे, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 12 पर है और इसमें बात की गई है
पाकिस्तानी नेशनल बिहाइंड सुसाइड अटैक सेज ईरान। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि जिस तरीके से पुलवामा में हमारे सोल्जर्स पर अटैक हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही ईरान में भी वहाँ के सोल्जर्स पर अटैक हुआ था और उसमें 27 जो थे वो 27 सोल्जर जो थे ईरान के वो मारे गए थे। तो फ्रेंड्स अब ये बात सामने आई है कि जिस सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया था वो पाकिस्तान का रहने वाला था, उसका नाम था हाफिज मोहम्मद अली। और ये बात भी बोली गई है कि ये जो अटैक 13 फरवरी को हुआ है इसकी प्लानिंग 11 फरवरी को ही कर ली गई थी और ईरान ने पाकिस्तान को बोला है कि उसको इसके लिए प्राइस पे करना होगा। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 13 पर है और इसमें बात की गई है कैबिनेट अप्रूव्स फेज टू ऑफ रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम्स। तो फ्रेंड्स इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम के फेज़ टू को अप्रूव कर दिया है और इसका एम है 2022 तक 40,000 मेगावाट की क्यूमुलेटिव कैपेसिटी को अचीव किया जा सके। राइट, तो ये जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये टोटल इसमें जो सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा वो है 11,814 करोड़ रुपीज़ का। और ये जो फेज़ टू प्रोग्राम है इसमें 3 किलोवाट तक 40% का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान को भी लॉन्च किया है और इसका एम होगा कि किसान जो हैं उनको फाइनेंशियल और वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। राइट, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 18 पर है और इसमें बात की गई है न्यू यूनिवर्स मैप अनवील्स 3 लाख मोर गैलेक्सी। तो फ्रेंड्स नाइट स्काई का एक न्यू मैप पब्लिश किया गया है ट्यूजडे को जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रीवियसली अननोन गैलेक्सीज को डिस्कवर किया गया है एक टेलीस्कोप की हेल्प से। और इसके अंदर ये जो स्टडी की गई थी इसमें 18 कंट्रीज के 200 से ज़्यादा एस्ट्रोनॉमर्स जो थे वो शामिल थे और इसमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का स्काई है उसको रेडियो एस्ट्रोनॉमी का यूज़ करके देखा गया था जिसमें 3 लाख प्रीवियसली अनसीन लाइट सोर्सेज को फाउंड किया गया है। तो ये जो मैप है ये क्रिएट किया है लोफार ऑब्जर्वेशन ने और ये जो न्यू डिस्कवरी हुई है ये साइंटिस्ट को बहुत हेल्प करेगी स्पेस के जितने भी एनिग्मेटिक फिनोमेना उसके अंदर होते रहते हैं उनको समझने में, उसके बिहेवियर को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। राइट, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो पेज नंबर 18 पर है और इसमें बात की गई है ऑसी मैमल द फर्स्ट क्लाइमेट चेंज एक्सटिंक्शन। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियली इस बात को डिक्लेयर किया है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ रोडेंट है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है और ये फर्स्ट मैमल है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सटिंक्ट हुआ है। राइट, और ये जो मैमल है ये है ब्रैम्बल के मेलोमीज जो कि रेट लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है और ये इसका जो ओनली नोन हैबिटेट है वो है स्मॉल सैंडी आइलैंड जो कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में है। तो वहाँ पे ये लगभग 10 सालों से यानी एक डिकेड से ये यहाँ पर स्पॉट ही नहीं किए गए हैं तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियली इस बात को डिक्लेयर किया है कि ये जो मैमल है ये बिल्कुल एक्सटेंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये जो मेलोमिस रूबिकोला है ये ग्रेट बैरियर रीफ का ओनली एंडेमिक मैमल स्पीशीज माना जाता था और इसको फर्स्ट डिस्कवर किया गया था 1845 में और इसको डिस्कवर किया था यूरोपियंस ने क्योंकि वो वहाँ पर जो लार्ज रैट होते थे वो उनको स्पोर्ट्स के लिए उनको शूट करते थे। राइट, तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही और अगर आपको हमारे वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट हमसे डिफरेंट सोर्सेज पर पूछ सकते हैं जैसे कि YouTube के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें Facebook पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @civilsection। इसके अलावा आप अपना डाउट हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है civilsection2018@gmail.com और आप अपना डाउट हमारी वेबसाइट पर भी पुट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है www.civilsection.com। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।